हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे अपना अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं अपने वार्डरोब को और अपनी बेटी के वार्डरोब को कैसे अरेंज करके रखती हूँ। तो आज का वीडियो मैं बेसिकली अपने और अपने हस्बैंड की अलमीरा का बना रही हूँ, और बेटू की अलमीरा का भी मैं जल्दी शेयर कर दूंगी। तो मेरे पास एक ये अलमीरा है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ी अलमीरा नहीं है। इसी में मुझे अपने कपड़े सारे अरेंज करके रखने पड़ते हैं, और इसके ऊपर मैंने बेटू के टैडी लगा दिए हैं, जिनसे वो कभी कभी खेलती है। जब उसका मन करता है तो मैं उतार करके दे देती हूँ यहीं से। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपनी अलमीरा को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, मैं पहले भी अपनी अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो बना चुकी हूँ, बट मैंने कुछ चेंजेस किए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर के देख लेना। तो बेसिकली एक तरीके से न्यू ऑर्गेनाइजेशन है कि मैंने किस तरीके से अपने कपड़ों को अरेंज करके रखा हुआ है फिर से। तो चलिए मैं सबसे ऊपर की बात करती हूँ। तो मैंने एक एक्स्ट्रा टॉवल टांग करके रखी है, और यहाँ पर जो वॉश्ड टॉवल होती है वो मैं हैंग करके रखती हूँ। और जो ऊपर का ये सेक्शन आप देख रहे हैं, ये पूरे ही पूरा हस्बैंड का है। पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ शर्ट और पैंट प्रेस होने के लिए गए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ही खाली लग रहा है, बट मैंने कहा फिर भी मैं आपको आइडिया तो लग ही जाएगा कि मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो उनकी जब शर्ट आ जाएंगी तो मैं इसी के ऊपर लगा दूंगी, और काफी सारा स्पेस है, और सेम यही पैंट और जीन्स के साथ भी है। तो इस साइड में मैं उनकी सारी शर्ट्स रखती हूँ। सामने उनके पैंट और ट्राउजर्स लगा के रख दिए हैं, जो कि उनको डेली बेसिस पे पहनना रहता है जब वो ऑफिस जाते हैं तब। और पीछे की साइड में मैंने जीन्स लगा दी हैं, जो जब वो कहीं घूमने जाते हैं या वीकेंड पे पहनते हैं। और इस साइड में ये दो छोटी छोटी बास्केट हैं प्लास्टिक की, इसमें उनके सॉक्स रखे हुए हैं सारे, और इस वाली बास्केट में है उनके इनर वियर्स। और इसके जो पीछे वाली साइड है, कॉर्नर में उनके सारे लोअर लगे हुए हैं डेली यूज के, और इधर है सारी टी शर्ट्स। जब वो बाहर कहीं जाते हैं तो वो पहन के जाते हैं टी शर्ट को, तो वो सारी टी शर्ट मैंने लगा रखी हैं। और ये बहुत ही इजी हो जाता है, बास्केट ऐसे आप हटा भी सकते हो, तुरंत रख भी सकते हो, तो लेने में, उठाने रखने में, कपड़े लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें सारे सॉक्स हैं और इसमें उनके इनर वियर्स हैं। और जो नीचे का सेक्शन है उसमें मैंने उनके सारी डेली यूज की टी शर्ट्स रखी हुई हैं, जो वो फिलहाल गर्मियों में पहनते हैं। तो ये सारी उनकी टी शर्ट है, और इधर मेरा लॉकर बना हुआ है। और अब मैं आती हूँ नीचे के सेक्शन में की तरफ। मैंने अपने सारे कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं पीछे की बात करूं तो आप देख सकते हैं, एक तरफ सारे मेरे डेली यूज के लोअर रखे हुए हैं, और इस तरफ जो डेली यूज की टी शर्ट्स हैं वो सारी रखी हुई हैं। तो मैंने उनको इस तरीके से अरेंज करके रखा हुआ है, सामने से ही अलग अलग पता चल जाता है, तो निकालने रखने में आसानी हो जाती है, और समझ में भी आ जाता है कब किस दिन कौन सा पहनना है। और इधर मैंने एक ये डोलची टाइप की रखी हुई है, इसमें मेरे सारे इनर वियर हैं। और ये एक बास्केट है, ये भी बास्केट में जब हम कुछ रखते हैं तो वो उठाने रखने में बहुत ही इजी हो जाता है। जब मुझे कपड़े निकालने होते हैं तो मैं ऐसे खिसका देती हूँ और कपड़े निकाल लेती हूँ डेली यूज के। और ये जो बास्केट है इसमें मैंने अपने सारे नाइट वेयर टॉप रखे हुए हैं, जो भी मैं रात में टॉप पहनती हूँ वो सारे इसमें रखे हुए हैं। तो सारे नाइट में जितने भी मैं टॉप पहनती हूँ वो पूरी बास्केट इससे भरी हुई है, तो मुझे इजी हो जाता है, मैं इसी में से जो टॉप है वो निकाल लेती हूँ। और इधर वाली बास्केट में मेरी सारी न्यू जैगिंग्स हैं, उस साइड में सारी जैगिंग्स हैं दोनों तरफ, और इस साइड में सारे जो है वो मेरे टॉप रखे हुए हैं, जो मैं कहीं बाहर आने जाने में पहनती हूँ। तो मैंने एक बास्केट में एक साथ ही अरेंज करके रख दिया है। मेरे पास बहुत ज्यादा ही कोई ह्यूज कलेक्शन नहीं है कपड़ों का, कि मतलब हद से ज्यादा कपड़े हैं, तो मेरे पास जितने हैं मैं लिमिटेड ही कपड़े खरीदती भी हूँ, वो स्टोर भी अच्छे से हो जाते हैं, और जो रिजेक्ट होते रहते हैं वो हटाती रहती हूँ ताकि अलमीरा में जो स्पेस है वो बना रहे। और नीचे जो है वो मेरी इस वाली रेड वाली बास्केट में सारी कुर्तीज है, ये पूरी बास्केट मेरी कुर्ती से भरी हुई है, दोनों तरफ मैंने कुर्ती को इस तरीके से तही बना के रखा हुआ है। इस तरीके से कपड़े फोल्ड करने में कम जगह घेरते हैं, और साथ ही साथ थोड़ी सी जगह में बहुत ज्यादा कपड़े आ जाते हैं अगर हम इस तरीके से कपड़ों को फोल्ड करके रखते हैं तो। और सेम यही मैंने ऊपर किया हुआ है, आप मेरी फोल्ड देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। तो इस तरीके से जब हम कोई कपड़ा फोल्ड करते हैं तो बहुत ही कम जगह में आ जाता है।
इस तरफ जो है इस वाली बास्केट में मेरे सारे लेगिंग सॉरी इस वाली बास्केट में मेरी सारी लेगिंग है, और ये थोड़ी सी छोटी बास्केट है, इस वजह से मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है। सारे प्लाजो और लेगिंग मैंने इसमें छोटी छोटी फोल्ड बना करके नीचे तक रखे हुए हैं। और इधर ये डोलची है, इसमें मैंने अपने सारे स्टोल रखे हुए हैं, जितने भी स्टोल मैं यूज करती हूँ वो रखे हुए हैं, और साथ ही साथ कुछ चुन्नी है जो मैं कुर्ती के साथ डाल लेती हूँ, तो वो सारी मैंने इसमें तही करके रखी हुई है। और इधर रखा हुआ है मेरा बैग, जो मैं जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं लेकर के जाती हूँ। और अब बारी आती है सबसे नीचे की, ये जो होता है इसमें मैं हमेशा इतना ही सामान रखती हूँ, एल्बम रहता है, ये मेरी शादी का एल्बम है, और ये ऐसा ही एल्बम है, इसमें कुछ फोटोज हैं मेरे बेटू की, और इधर होते हैं सैनिटरी नैपकिन्स। तो ये एरिया बस मैं इतना ही सामान रखने के लिए यूज करती हूँ। और इधर जो हुक बने हुए हैं इसमें ये स्लिंग बैग टांग के रखा हुआ है, ये फिलहाल एक ही है मेरा स्लिंग बैग, और ये एक छोटू का है, तो मैंने फिलहाल दोनों टांग दिए हैं। तो ये बेसिकली बैग टांगने के लिए मैंने किया हुआ, और मैंने इधर कुछ भी नहीं लगाया है। तो फ्रेंड्स यही था मेरा अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसी तरीके से अलमीरा को ऑर्गेनाइज करती हूँ। कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने में सबसे ज्यादा चीज मायने रखती है वो ये है कि हमने अपने कपड़ों को किस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। अगर हमारी फोल्डिंग गलत होगी तो हमें मतलब कम कपड़े भी ज्यादा जगह घेरेंगे, और अगर हमारी फोल्डिंग सही होगी तो बहुत ज्यादा कपड़े भी कम जगह में आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से छोटी छोटी घड़ी बना करके रखा हुआ है कपड़ों को ये, और अच्छे से तो मेरे कपड़े कम जगह में काफी ज्यादा कपड़े आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स यही था मेरा वीडियो, आई रियली होप आपको अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच मुझसे रिक्वेस्ट करने के लिए इस वीडियो के लिए, या आप जो भी रिक्वेस्ट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द मैं वीडियो बना पाऊँ। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।